अभी तो राजरतन गिरेगा, अभी नहीं गिरेगा। हम लोग गंगोत्री यानी गंगा मैया का जो मंदिर है उसके ठीक सामने बैठे हुए हैं। किराया लिया हमने इस डालमिया सदर नाम है, इस डालमिया निकेतन, उसमें सामने क्या मनोरम दृश्य है। गंगा जी कदम ध्वनि आपको सुनाई पड़ रहेगी, यहाँ से नीचे ये बह रही हैं। ठीक सामने मंदिर है, ये गंगोत्री है, गंगोत्री मंदिर। और ये सामने देखिए ऊपर पहाड़ का नज़ारा। हाँ, बर्फ की चोटी भी दिख रही है यहाँ से। और हम लोग यहाँ बैठ के इस खूबसूरत नज़ारा का आनंद उठा रहे हैं। शाम को साक्षी साक्षी है, सही बात। गंगोत्री मंदिर के बारे में हाँ, जिनके पास जानकारी हो जरा शेयर करिए, बताइए। ऐसा कहा जाता है कि भागीरथ जी ने जब तपस्या की अपने पूर्वजों के पाप को धोने के लिए, तो गंगा को सबसे पहले धरती पे यही उतारा गया था। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर उस चीज़ की साक्षी है। यहाँ पे शंकर जी ने अपने जटाओं में गंगा के वेग को संभाला था और उसके बाद यहाँ से गंगा धरती पे अवतरित हुई है। गंगोत्री का यही अपना कहानी है पुरानों के हिसाब से। मंदिर को बताइए, पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर। 1806 में बनी थी, ग्रेनाइट से बनी हुई है, वाइट ग्रेनाइट से। 1922 में माधव सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। विनय जी को जानकारी हो तो साझा करिए। ये देख रहे होंगे मंदिर, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, सारे लोगों का रोजगार बस ये मंदिर के भरोसे चलता है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर तक कोई मार्केट आपको नहीं मिलेगी। ये एक दुर्गम स्थान है, ना यहाँ पे कोई आपको ATM मिलेगा, ना कोई बैंक मिलेगा। दुर्गम रास्ते हुए होते हुए 30-35 किलोमीटर दूर आपको कोई गांव नजर आएगा। और ये बीच जंगलों के बीच में, ये पहाड़ों के बीच में माँ गंगा का एक मंदिर है, बसा हुआ है। सारे लोग यहाँ माँ गंगा के भक्ति भाव में घूमते हैं, रहते हैं, और लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और हर्ष उल्लास के साथ विदा होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए कि उन्हें क्या क्या प्रायोरिटी में अपने लिए व्यवस्था करके आनी चाहिए। सबसे पहले तो इतना धन लेके आना चाहिए कि उनका काम जाने तक का हो जाए, क्योंकि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हर्षिल एक जगह है, वहाँ पर बैंक और ATMs हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको कोई बैंक कोई ATM नहीं है। यहाँ जो निवासी रहते भी हैं उनको भी पैसा की अगर आवश्यकता होती है तो हर्षिल ही जाना होता है। हाँ, रोड जो है वो काफ़ी ख़तरनाक कह सकते हैं। जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो मैदानी एरिया से लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी कठिन रास्ता है ये। और दूसरी बात है कि आपको शाम 5 बजे के बाद, 5 बजे या कहे 4 बजे के बाद ही यहाँ से नीचे जाने के लिए कोई भी गाड़ी, नीचे मीन्स उत्तरकाशी या फिर हर्षिल कहीं भी जाने के लिए आपको 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती है। और सुबह फिर पहली गाड़ी आपको 5:30 में मिलेगी। और जो बस होती है वो 2-3 ही चलती है यहाँ से, सवेरे 5 बजे, 6:30 और 7 बजे में मैक्सिमम अधिकतर गाड़ी बुक होती है। और नहीं तो फिर लोग प्राइवेट गाड़ी से बुक करके आते हैं। अगर शेयर वाले आपको बोलेरो टाइप की गाड़ी मिलती है जिसमें 10 लोग शेयर करके जाते हैं तो वो उत्तरकाशी तक ही जाती है, लेकिन वो गाड़ी भी 4:00 के बाद नहीं मिलती। हम लोग भी यहाँ आज रुके हैं इसीलिए क्योंकि 4:00 के बाद हम लोगों को गाड़ी मिली ही नहीं। तो उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हम यहाँ से पिछले दिन जो रुके थे वहाँ पे कमरा पे ऐसा दृश्य नहीं दिख रहा था जैसा आज यहाँ से दिख रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आप भी देखिएगा और आनंद उठाइएगा। गणेश बाबू और चंदन जी के साथ मैं हूँ शैलेश।